नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 10:30 बज चुके हैं, लगातार वोटिंग हो रही है, ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है गोवा में भी और पंजाब में भी। हालांकि पंजाब में जो आंकड़ा है वो गोवा से थोड़ा कम है, हो भी क्यों ना, गोवा जो है अक्सर वोटिंग परसेंटेज के मामले में, खासकर वोटिंग वोटर्स टर्नआउट के मामले में ऊपर ही रहा है। पिछली बार 81 था और इस बार कहा यह जा रहा है कि 9 बजे मतदान करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं उनकी संख्या परसेंट में, प्रतिशत में 16 तक आ गई है और पंजाब में 8%। गोवा में सुबह 10 बजे तक 15% वोटिंग, नॉर्थ गोवा में सुबह 10 बजे तक 16% वोटिंग हुई है और उधर पंजाब में सुबह 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है। फिलहाल मतदान थोड़ा सुस्त दिख रहा है पंजाब में, सुबह 9:30 बजे तक 8% वोटिंग हुई है। खबर पंजाब से ये भी आ रही है कि कई इलाकों में ईवीएम मशीन जो है वो धोखा दे गई है, 40-40 मिनट तक लोगों को इंतजार करना पड़ा है वोट करने के लिए। लुधियाना में सुबह 10 बजे तक 10% वोटिंग हुई है। गोवा की अगर बात करूं, पहले ही बता चुकी हूं, 10 बजे तक 15% वोटिंग रही है। ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पंजाब में वीआईपी उम्मीदवार वोट डाल चुके हैं, वोट डाल भी रहे हैं। कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान जो है वो मोहाली में वोट डालने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत गुग्गी जो है वो बठिंडा में वोट डालने पहुंचे। इसके अलावा बठिंडा से ही कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत बादल ने लंबी सीट में वोट डाला। अकाली दल के उम्मीदवार जनरल जे जे सिंह जो चैलेंज कर रहे हैं इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को पटियाला से, उन्होंने पटियाला से वोट डाला। अपना पंजाब पार्टी के जो प्रमुख है और गुरदासपुर से जो उम्मीदवार है सुच्चा सिंह छोटेपुर, उन्होंने गुरदासपुर में वोट डाला। ये 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इस बार मुकाबला पंजाब में बहुत दिलचस्प होने वाला है, त्रिकोणीय ये मुकाबला होने वाला है। त्रिकोणीय इसलिए होने वाला है क्योंकि अब तक तो सिर्फ अकाली दल और बीजेपी साथ में मिलके चुनौती कांग्रेस को देते, कांग्रेस जो है चुनौती इन दोनों को देती, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही है गोवा में भी और वहाँ पंजाब में भी। पटियाला में अमरिंदर सिंह और अकाली दल से जनरल जे जे सिंह आमने सामने हैं। जनरल जे जे सिंह और उनकी पत्नी के बयान सामने आए हैं, अपने पति के चुनाव पर दोनों का क्या कहना है सुनिए। तरीके से बहुत हौसले में अब मैं राउंड लगा के आई हूँ, 15 मिनट के लिए आई हूँ घर, तो बहुत ही अच्छी स्थिति चल रही है। और ये जो मेन मुद्दा है, चाहे नशों के हो, किसानों के होएं, अपने बच्चों की बेरोज़गारी के होएं, ट्रेडर के होएं, व्यापारी के, बड़े छोटे, ये सब बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे बच्चों का जो भविष्य है, वो फ्यूचर है, वो खतरे में है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में किया है बिल्कुल 200% किया है और अभी भी वो ऐसा ही पटियाला के लिए निभाएंगे अपने वादे और सेवा के भावना से आए हैं और सेवा करके दिखाएंगे। पर इनको हमेशा लाइफ में चैलेंजेस ही अच्छे रहे हैं, हमेशा अरुणाचल में भी उन्होंने कहा था कि मुझे चैलेंजिंग देना पद, अदरवाइज आई डोंट वांट, इट हैज टू बी चैलेंज। जनरल जे जे सिंह की पत्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी वर्सेस, दोनों बयान दे रहे थे और दोनों ही जो है ये जानते हैं कि उनके पति चैलेंजिंग जितनी भी चीज़ें होती है उसे बेहद पसंद करते हैं, दोनों ही फौज से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों का ही मुकाबला कैप्टन वर्सेस जनरल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है पटियाला में। वैसे लुधियाना में, जिसे ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है, वहाँ रवि त्रिपाठी मौजूद है, उनकी ये रिपोर्ट ज़रा आप देखिए। पंजाब के लुधियाना के गवर्नमेंट स्कूल नंबर 5 के पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं। सुबह से ही लोग लगातार मतदान करने के लिए आ रहे हैं, उम्र कोई सीमा नहीं है, उम्र के हिसाब से भी तबीयत खराब है तब भी लोग मतदान करने आ रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तबके लोग हैं, महिलाएं भी है। ये मुद्दा क्या है चुनाव में, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर लोग मतदान कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? नौजवान सबसे ज्यादा फोकस इस बार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल बीजेपी गठबंधन, सबकी नजर नौजवानों पर है। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट है जी, जो डूबा हुआ बिजनेस है पंजाब का वो है। अकाली दल और भाजपा ने जो पिछले 10 सालों में माफिया बनाए हैं उनको डिमोलिश करना चाहते हैं, नई सोच के साथ आना चाहते हैं, आगे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, नई सोच के साथ आना चाहते हैं। सर जी, आपके लिए क्या मुद्दा है?
मुद्दा ये हमें तुष्ट है, हम सारा कुछ देख कर डेवलपमेंट को वोट डालेंगे। चलिए संतुष्ट हैं आप। माता जी आपके लिए क्या मुद्दा है, क्योंकि महंगाई है सबसे ज्यादा मुद्दा आप लोगों को करता है, आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? हमारे लिए तो भ्रष्टाचारी है, ये खत्म होना चाहिए, बिजनेस की डेवलपमेंट होनी चाहिए, बस ये मेन। तो आप नौजवान है, आप क्या चाहते हैं? सर जितना वर्क 10 सालों में सरकार ने कराया है, मैं कहता पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कराया होगा, डेवलपमेंट वोट डालेंगे हम तो। आप कह रहे थे कि 200 सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस इलाके में कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप चाहते हैं सरकार बने? और हम इस करके जाएं जो पार्टी काम ज्यादा अच्छा करती है, यहाँ के लोग बहुत सूझवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उसी को चुनेंगे। जैसे आज के 10 साल तीसरी बारी भी ये सरकार रिपीट करेगी, आपको हम बता दें। अच्छा की भावना मिलनी चाहिए, इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तमाम तरह की बातें हैं, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब लोग उस आधार पर मतदान कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि किसकी सरकार आती है और क्या करता है इन लोगों के लिए। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया लुधियाना। तो आप देख रहे हैं लोगों को ये कहना है, का कहना है कि विकास हमारे लिए मुद्दा है, भ्रष्टाचार खत्म हो हमारे लिए मुद्दा है, हम ये चाहते हैं कि सरकारें जो है ईमानदारी से काम करें। वैसे पंजाब और गोवा चुनाव में युवा जितने भी बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं, और इसी का जिक्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में किया था। उन्होंने कहा कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जाए और वोट करें। वोटिंग को लेकर बहुत सारा उत्साह युवाओं में दिख रहा है, पहली बार वोट डालने आए युवा वोटर्स क्या कह रहे हैं सुनिए। 18 साल दी हुई है, तो मैं पहली वोट पाई है 8 बजे आके, तो मैं यही बेनती करती हूँ कि सारी यूथ नू आके वोट पानी चाहिए, नवी सरकार लेके आनी चाहिए। गोवा में इस बार 26,000 के करीब नए वोटर्स जो है दर्ज हुए वोटिंग लिस्ट में, मेरे साथ जो मीना फर्नांडीज मीना है, मीना गोम्स, वो फर्स्ट टाइम वोटर है। मीना क्या आपने वोट दिया, आप दिखाएंगे दर्शकों? मैं फर्स्ट टाइम वोट। किन इश्यूज को आप ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं इस बार? जो कुछ नया करेंगे। शाय हैं कुछ वोटर्स पहली बार वोट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि टीवी पर किस तरीके से इस एक्साइटमेंट को शो करना है, और उन्हीं में से एक ये यंगस्टर थी जो कह रही थी कुछ नया करें, उनको मैं चाहती हूँ, मैं उनको वोट देना चाहती हूँ। बहरहाल पंजाब के जालंधर कैंप से परगट सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है। परगट सिंह से बात की जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। परगट जी, आप पहले अकाली से यहाँ विधायक रहे हैं, अब कांग्रेस से मैदान में हैं, क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ, आपको बदलना पड़ा, और क्या मुद्दे हैं जो आप? देखो मेरा मेन मुद्दा तो वेस्ट मैनेजमेंट का है, क्योंकि यहाँ एक 6-7 किलोमीटर दूर गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जमछेर, उसमें एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगना था, लेकिन उसके बेसिक पैरामीटर भी वो कंप्लाई नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती हमारे सिस्टम की है, ना ब्यूरोक्रेट्स ने ना पॉलिटिशियन ने जब उसको थ्रू किया तो देखा नहीं है। इस बार मुद्दे क्या क्या है पंजाब में वोटर के? मुद्दे ड्रग्स का मुद्दा है, मिसमैनेजमेंट का मुद्दा है, फाइनेंशियल मिसमैनेज का मुद्दा है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मुद्दा है, क्योंकि आप ऐसे पंजाब को चला नहीं सकते। एक परिवार का राज था वो, और आज वो खत्म होने जा रहा है। हमने देखा है कि लोग आ रहे हैं, सड़क का मुद्दा भी, पानी का मुद्दा भी उठा रहे हैं, क्या है ये? नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो ये मुद्दे हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ इनका परिवार भी है, आप बताइए क्या आपके दिमाग में है, आप वोट करने आई हैं, हालांकि आपके पिताजी कैंडिडेट हैं, क्या आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है? बेसिकली हम एक अच्छी चेंज चाहते हैं, हम वो चाहते हैं जो हमने 10 ईयर्स लूज किया है, ऐसी सरकार आए जो उसके लिए मुनाफा दे और बेटरमेंट के लिए हो। हमने देखा लोग आ रहे हैं, कुछ सड़क बता रहे हैं कि सड़क टूटी हुई है, कुछ पानी की समस्या बता रहे हैं, इस तरह के मुद्दे, कुछ बेरोजगार की युवा समस्या बता। देखो सबसे बड़ी तो जो कॉमन है वो बेरोजगारी की है, वो मेरे ख्याल पूरे पंजाब का ही इशू है, ड्रग्स डेफिनेटली एक इशू है। अभी अच्छी खासी तस्वीर है यहाँ पर, जो लोग पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में अपना वोट करने के लिए। कैमरा इलियास जोसेफ के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया जालंधर पंजाब।